लगातार 12वें दिन महंगे हुए पेट्रोल डीजल, पेट्रोल 53 पैसे और डीजल 64 पैसे प्रति लीटर तक हुआ महंगा। फिंच ने स्टेबल से नेगेटिव किया भारत का ग्रोथ आउटलुक, रेटिंग ट्रिपल बी पर रखी बरकरार। एशिया के विकासशील देशों में इस साल खराब रहेंगे आर्थिक हालात, एडीबी ने भारत की जीडीपी में 4% गिरावट की जताई आशंका। सीआईटी ने चीन के खिलाफ तेज की बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स मुहिम, बायकॉट के लिए तैयार की 500 प्रोडक्ट्स की लिस्ट। पीएम की लोकल फॉर वोकल की अपील में सेना की कैंटीन ने विदेशी शराब पर लगाई रोक, इंडियन मेड फॉरन लेकर की ही होगी बिक्री। गूगल डुओ में अब एक साथ 32 लोग कर सकेंगे वेब ग्रुप वीडियो कॉल, बढ़ाई गई है मेंबर लिमिट। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए आरबीआई ने तैयार किए नए नियम, ड्राफ्ट पर मांगे जनता से सुझाव। एयरटेल ने शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी लट्टू मीडिया में खरीदी 10% की हिस्सेदारी, एयरटेल स्टार्टअप एक्सिलरेटर कार्यक्रम के तहत किया है निवेश। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बिजली सप्लाई करने वाले पावर स्टेशन का निर्माण शुरू, यमुना एक्सप्रेसवे के रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद। अब कंपनियों ने बाजार में एनवायरमेंट फ्रेंडली इंजन ऑयल उतारने का किया दावा, वेस्टीज मार्केटिंग ने लॉन्च किया है इंजन ऑयल से कम प्रदूषण छोड़ने वाला एडिटिव।